आज आपके किचन में तूफान आने वाला है। कैसे? मैं लाने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपा अग्रवाल और आज हम बनाने जा रहे हैं हॉट एंड स्पाइसी सुपर टेस्टी पार्टी स्नैक्स टोनाडो पटेटो चिप्स आपके फेवरेट चैनल दीपा डेलिकेसीज पर। पटेटो टोनाडो चिप्स बनाने के लिए हमें चाहिए आलू, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच मैदा, कुछ बेसिक मसाले जैसे कि आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चुटकी काली मिर्च, आधा चम्मच चाट मसाला और ये चीज़ पाउडर जो कि ऑप्शनल है। इसके अलावा हमें तलने के लिए चाहिए तेल और थोड़ा सा मेयोनीज। इन टोनाडो चिप्स को टोनाडो चिप्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका आकार टोनाडो तूफान की तरह है और इस चिप्स को टोनाडो का आकार देने के लिए मैं यहाँ पर ले लूँगी ये स्कीवर जिसको मैं आलू में घुमाते हुए अच्छी तरह से स्कीव कर लूँगी। देखिए स्कीवर आलू से पूरी तरह बाहर आ चुका है। ध्यान रहे कि ये स्कीवर आलू में स्कीव करते समय आपको घुमाते हुए ही करना है, नहीं तो ये स्कीवर आलू के अंदर टूट सकता है। स्कीवर में आलू को बिल्कुल बीच में ला लें स्कीवर के पूरी तरह से। अब हम इसको टोनेडो का आकार दे देंगे। टोनेडो का आकार देने के लिए आपकी जो छुरी है उसकी धार काफ़ी तेज होनी चाहिए। देखिए इसको हम घुमा घुमा के किस तरह से टोनेडो के चिप्स का आकार देने वाले हैं। देखिए मैं किस तरह से इसको घुमा रही हूँ। हमें इसको पतले पतले चिप्स जैसे मोटाई में काट लेना है। बहुत ज्यादा पतले ना हो तो भी चलेगा क्योंकि इसको हम डीप फ्राई करेंगे। अगर बहुत ज्यादा पतले चिप्स हुए तो ये तलने के समय जल सकते हैं। मैंने यहाँ पर वुडन स्कीवर यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पर स्टील का स्कीवर भी यूज़ कर सकते हैं जो कि हम पनीर टिक्का बनाने के लिए यूज़ करते हैं। टोनेडो चिप्स के जनरली छिलके नहीं निकाले जाते हैं इसलिए मैंने ये आलू को धोकर साफ कर ले लिया है, लेकिन अगर आप चाहे तो इसके छिलके भी उतार सकते हैं। कोशिश करें कि इसमें आलू थोड़े बड़े आकार के लें ताकि बहुत अच्छे से इसके चिप्स बनेंगे और पूरा स्कीवर हमारा भर जाएगा। देखिए किस तरह से हमारा ये आलू के चिप्स यहाँ पर बनकर तैयार है। अब इसको हम धीरे धीरे कर स्प्रेड कर लेंगे। बहुत ताकत से नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, नहीं तो आलू के ये जो स्पीरल्स है ये टूट सकते हैं। देखिए आप किस तरह से इसका शेप दिखने लगा है स्पीरल। देखिए किस तरह से इन चिप्स को मैंने पूरे स्कीवर में स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए सादे पानी में रख देंगे और तब तक हम बाकी के आलू को भी तैयार कर लेंगे। अगर आपको ये तरीका नहीं जमता हो तो आप इसको नॉर्मल चिप्स स्लाइसर से भी कर सकते हैं। बाकी के टोनेडोस को हम पोटैटो चिप्स स्लाइसर की मदद से कर देखेंगे। जैसे कि हम नॉर्मल चिप्स बनाते हैं उसी तरह से हमें इन्हें किस कर तैयार कर लेना है। मैंने यहाँ पर यह स्लाइसर थोड़ा मोटा वाला लिया है क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर चिप्स बहुत ज़्यादा पतली हुई तो ये जल सकती है तलने के टाइम। जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह की ये चिप्स यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। इन चिप्स को भी हम स्कीवर में लगा लेंगे और स्कीवर में लगाने के बाद हम इन्हें पानी में डाल देंगे। पानी में डालने से आलू का जो एक्सेस स्टार्च है वो निकल जाएगा और जिसके वजह से आपकी चिप्स जो है वो काफ़ी कुरकुरी बनेंगी। आप इन्हें छोटे बड़े किसी भी साइज़ के स्कीवर में लगा सकते हैं। जितना बड़ा बर्तन आपके पास तलने के लिए हो उतने बड़े स्कीवर्स में आप इनको लगा सकते हैं। छोटे स्कीवर में लगाएंगे तो आप मेहमानों को एज अ साइड डिश बोलकर भी आपके नाश्ते के साथ में सर्व कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर सारे के सारे टोनाडो के चिप्स हमारे कटकर तैयार है। अब मैं इन्हें पानी में से निकाल कर एक फ्रेश कपड़े पर थोड़ी देर के लिए सुखाने डाल दूंगी और इसी के साथ में हम इसको डीप करने के लिए मैदा और कॉर्नफ्लोर से एक बैटर बना लेंगे। जब तक हम बैटर बनाएंगे तब तक हम तलने के लिए कढ़ाई में तेल गरम करने रख देंगे। टोनेडो के लिए कोटिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक 1/4 टीस्पून, थोड़ी सी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, थोड़ी सी काली मिर्च 1/4 चम्मच और थोड़ा सा चाट मसाला। अब हम इसका एक पतला बैटर तैयार कर लेंगे। पानी एकदम से ना डालें नहीं तो इसमें थोड़े से लम्स पड़ सकते हैं। जनरली रास्ते पर जो टोनाडो मिलते हैं उनका कलर ज़्यादा रेड होता है क्योंकि वो लोग उसमें कलर ऐड करते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी कलर ऐड नहीं करूँगी।
बैटर बनाने के लिए इस तरह का बर्तन लें जिसमें आपके टोनेडो इजीली डीप हो सके। जैसे कि मैंने ये प्लेट ली है, इसमें मेरे टोनेडो इजीली डीप हो सकेंगे। और इस तरह से टोनेडो को अच्छी तरह से इस बैटर से कोट कर लें। इसी तरह सारे टोनेडो को हम इससे कोट कर लेंगे, अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। और सारे टोनेडो अच्छी तरह से कोट हो जाने के बाद इसे हम कढ़ाई में तल लेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें टोनेडो तलने के लिए डाल दूंगी। सभी टोनेडो को गोल्डन होने तक हम मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। इनको हम थोड़ा सा पलट पलट कर चारों तरफ से अच्छी तरह से तल लेंगे। अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इसको मीडियम फ्लेम पर तलना है। देखिए थोड़े थोड़े हमारे टोनेडोज गोल्डन होने लगे हैं। देखिए टोनेडोज पूरी तरह तलकर तैयार है, पूरी तरह से एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ये टोनेडो पूरी तरह से तलने के लिए मुझे 10 से 15 मिनट लगे। फ्लेम पर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लगेगा। इसे हम तलकर अब निकाल लेते हैं। चिप्स अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, पूरी तरह से कड़क हो चुके हैं। इसे हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। इसके ऊपर हम ये मसाला छिड़क देंगे। ये मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून से भी कम थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी पीसी हुई चीनी। नमक इस मसाले में हम कम लेंगे क्योंकि काला नमक भी है और चाट मसाले में भी यहाँ पर नमक होता है। इस मसाले को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे हम टोनेडो पर छिड़क देंगे इस तरह से। ये जो एक टोनेडो बचा है इस पर मैं ये चीज़ पाउडर छिड़कने वाली हूँ। बाजार में ये चीज़ पाउडर इजीली अवेलेबल है, इससे एक अलग फ्लेवर का टोनेडो यहाँ पर तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो किसी भी तरह से अपने हिसाब से इसका सीजनिंग चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से आप इसका सीजनिंग चेंज करेंगे उसी तरह से टोनेडो का फ्लेवर बन जाएगा। अब सबसे लास्ट में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मेयोनीज। आप इस पर अमेरिकन मस्टर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है हमारे टोनेडो। दोस्तों कमेंट कर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।